कल्प कहते हैं, जो वेद के जो छह अंग है, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, उनमें से एक अंग हो गया। और इसके तीन भाग हैं, यह समझने जैसी बात है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र तथा स्मार्त सूत्र। और जो स्मार्त सूत्र है, यह फिर दो प्रकार के होते हैं, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। और यह यज्ञों के प्रयोगों का समर्थन करने वाले शास्त्र भी कहलाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के नित्य नैमित्तिक यज्ञ, याग आदि तथा जो संस्कार आदि विषय इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वेद मंत्र के अनुष्ठान की विधि भी बताई गई होती है।